रेप का आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे, स्कूल से लौट रही पांचवी की छात्रा को 10 किलोमीटर घुमाया, जंगल में चचेरे भाई के सामने किया दुष्कर्म, दिन भर चला था बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के गढ़ी चौकी अंतर्गत रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया है। पीड़िता के चचेरे भाई का कहना है कि स्कूल से लौट रही पांचवी की छात्रा को आरोपी ने लिफ्ट के बहाने बाइक में बैठा लिया, फिर सुनसान स्थान की तलाश में 10 किलोमीटर तक एक गांव से दूसरे गांव तक घुमाता रहा। दोनों बच्चों ने घुमाने का कारण पूछा तो कहा कि थोड़ा सैर कर लो फिर चलते हैं। जब जंगल मिला तो झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। टाइमिंग से 3 घंटे लेट पहुंचे चचेरे भाई ने घर वालों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता को यूपी बॉर्डर के शकरगढ़ में इलाज कराने ले गए। जब गांव वालों को रेप की जानकारी मिली तो पुलिस को खबर दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने आनन फानन में पीड़िता को रीवा के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। दूसरे दिन सुबह गिरफ्तार। जनेह थाना प्रभारी उप निरीक्षक शैल यादव ने बताया कि रेप के आरोपी अंजनी केवट पुत्र राम प्रताप केवट 20 वर्ष निवासी तुरका गोदर थाना जनेह को वारदात के दूसरे दिन सुबह गिरफ्तार कर लिया था। परिजन व ग्रामीण दुष्कर्म के आरोपी का घर गिराने व एनकाउंटर करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में आरोपी को गढ़ी चौकी से सुरक्षित निकालकर जनेह थाना में दूसरे मार्ग से लाया गया था। आरोपी को सजा देने चौकी में जुटी भीड़। आक्रोशित भीड़ का कहना था कि आरोपी को सजा हम देंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग गढ़ी चौकी पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि आरोपी को पब्लिक के हवाले कर दें। इस बीच कई लोग चौकी का दरवाजा तोड़कर घुसने की कोशिश किए, तब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चौकी से खदेड़ा था। फिर भी पब्लिक परिसर में डटी रही। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व आसपास के लोग चौकी में जमा होते गए। मुख्य मार्ग पर दिया जाम। सैकड़ों लोग गढ़ी चौकी के सामने सड़क पर बैठ गए। ऐसे में शाम तक चक्का जाम चलता रहा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनने पर त्योंथर SDM PK पांडे, त्योंथर SDPO उदित मिश्रा, डभौरा SDOP RD ध्रुवे के अलावा जनेह थाने के साथ पनवार, डभौरा, जवा और चाक घाट थाने का बल मौजूद रहा। देर शाम पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खत्म कराया। क्या है पूरा मामला? 13 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे 11 वर्षीय बच्ची पांचवी का पेपर देकर 8 वर्षीय चचेरे भाई के साथ गांव लौट रही थी। रास्ते में अंजनी केवट अनजान युवक बाइक रोक दिया, कहा कि चलो तुम दोनों को घर छोड़ देते हैं, हम बगल के गांव के हैं। ऐसे में बच्ची और चचेरे भाई बाइक पे बैठ गए। तब सनकी आरोपी 10 किलोमीटर तक जंगल की तलाश में घूमता रहा। जब जंगल मिला तो वारदात कर दिया। दोनों बच्चे 3 बजे पहुंचे थे अपने घर। इसी दिन 3 बजे दोनों घर पहुंचे। शाम को उत्तर प्रदेश बॉर्डर के क्लिनिक में परिजन इलाज कराने गए। गांव वालों के माध्यम से पुलिस को जानकारी हुई। देर रात पुलिस बच्ची को रीवा इलाज के लिए रवाना की। 14 अक्टूबर को दिन भर गढ़ी चौकी में बवाल चला। 15 अक्टूबर को आरोपी को कोर्ट में पेश कर त्योंथर उप जेल भेज दिया गया। दुष्कर्म करने वालों के घर चलेगा बुलडोजर। आज दोपहर तक आरोपी के घर पहुंच सकती है राजस्व विभाग की टीम। सरेराह पांचवी की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा। राजस्व विभाग की टीम सोमवार को उसके घर की नाप करेगी, जिसके बाद मकान को धराशायी किया जाएगा। जनेह थाना क्षेत्र में स्कूल से लौट रही 11 वर्षीय छात्रा व पड़ोसी बच्चे को आरोपी अंजनी केवट निवासी तुरका गोदर ने गांव छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठा लिया था और मनिका गांव में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना से आक्रोशित लोगों ने गढ़ी चौक में जमकर हंगामा किया था। हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपी के घर अब पुलिस बुलडोजर चलवाने की तैयारी कर रही है। मीटिंग के बाद सोमवार को राजस्व अमला आरोपी के घर पहुंच सकते हैं। वहीं पुलिस ने रविवार को उसे न्यायालय में पेश कर दिया है। दरिंदगी की शिकार हुई बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ASP अनिल सोनकर ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।